जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका फसलों पर प्रभाव को देखते हुए विभिन्न शिक्षा संस्थानों और कृषि वैज्ञानिकों की दो दिवसीय कार्यशाला करनाल में आज से शुरू हुई। कार्यशाला में उत्तर भारत के विभिन्न शोध संस्थानों के करीब 100 छात्र और कृषि वैज्ञानिक इस मुद्दे को लेकर गहन मंथन करेंगे। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन से अन्य प्रभावों के अलावा जनवरी और फरवरी में गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग आने की संभावना रहती है। निम्न तापमान और उच्च आर्द्रता पीला रतुआ के स्पोर अंकुरण के लिए अनुकूल होता है। हाथ से छूने पर धारियों से फफूंद के बीजाणु पीले रंग की तरह हाथ में लगते हैं। फसल के इस रोग के चपेट में आने से पैदावार नष्ट हो जाती है। उत्तर भारत के पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पीली रतुआ के प्रकोप से साल 2011 में करीब 3 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल का नुकसान हुआ था। इस दौरान करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला में शोध छात्र व कृषि वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को लेकर फसलों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए किसानों को नए बीजों का प्रयोग करना होगा और वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार खेती करेंगे तो इसके गलत प्रभावों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि गेहूं में पीले रतुए के लिए वर्तमान मौसम काफी अनुकूल है। ऐसे में किसानों को गेहूं की फसल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल प्रदेश में कहीं पर पीले रतुए की कोई सूचना नहीं है। बीमारी पर निगरानी और बचाव के लिए संस्थान ने 5 टीमों का गठन किया है। अगर कहीं पर बीमारी की सूचना मिलती है तो किसान तुरंत कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं ताकि उस पर समय से काबू किया जा सके। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का जो उत्तर राज्यों का के सदस्य हैं उनका सिंपोजियम है और इसमें बदलते जलवायु परिवेश में जो बीमारियां हैं और जो विभिन्न फसलों में नुकसान हो रहा है उनके पर विचार विमर्श किया जाएगा और करीब करीब विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं और शोध संस्थाओं से 100 के करीब वैज्ञानिक और छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसमें सर पीला रतुआ की जैसे अभी संभावना बनी हुई है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संभावना है? पीला रतुआ तो मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट मिला नहीं है। पीला रतुआ गेहूं का एक प्रमुख बीमारी है और उसमें भी इस सम्मेलन में चर्चा होगी, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी और हमारी टीम हमेशा निगाह रखती है अभी तक कोई रिपोर्ट पीला रतुए की आई नहीं है। तो उसमें किसानों को क्या सलाह देंगे आप? किसानों को यही सलाह है कि अपना खेत पे निगाह रखें, अगर कहीं भी उनको ऐसी लक्षण दिखते हैं जो पीले रतुए जैसे होते हैं तो विशेषज्ञ से संपर्क करें और जो किस्में हैं वो रोधी किस्मों को इसमें इस्तेमाल करें, जैसे SD 2967, SD 3386 है, DBW 187 अगर लगाए हैं तो पीला रतुआ एक संभावना नहीं के साथ। तो अब पीला रतुआ आने का मौसम आ चुका है, इसलिए मौसम चल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि बारिश है, कोहरा है, कम तापमान है, ये पीले रतुए के लिए बहुत फेवरेबल मौसम है, लेकिन हमारी जो वेराइटीज हैं वो इसके लिए रेजिस्टेंट है। तो संस्थान द्वारा इसमें कोई तैयारी की गई है इसको? बिल्कुल, हमारी टीमें गठित रहती हैं और सर्वेक्षण किया जाता है, अलग अलग राज्यों में सर्वेक्षण होते हैं और बहुत कड़ी निगाह रखते हैं हम लोग। अपने करनाल में कौन कौन से एरिया जहां पर पीला रतुआ आ सकता है? करनाल जिला, जींद, कुरुक्षेत्र, ये पूरा यमुनानगर पीले रतुए का ऐसा इलाका है जहां पे आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो इसीलिए कड़ी निगाह रखनी पड़ती है और अभी तक कोई ऐसी कोई टीमें वगैरह बनाई है? हाँ, टीम बना रखी है, 5 टीमें हैं और अलग अलग राज्यों में भ्रमण करती हैं। 2 सर्वेक्षण हो चुके हैं हमारे और आगे आने 15-15 दिनों पर सर्वेक्षण होते रहेंगे, अभी कोई रिपोर्ट नहीं है ऐसी। तो उत्पादन के लिए क्या सर इस बार संभावना कैसी है गेहूं के लिए? उत्पादन के लिए बहुत बेहतरीन मौसम है, अच्छी किस्मों का प्रसार प्रचार है, तो मुझे संभावना यह है कि इस बार 108 मिलियन टन का उत्पादन होने की पूर्ण संभावना है, रिकॉर्ड होगा इतना मैं कह सकता हूँ। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं इतना उत्पादन? कारण में तो हमारी किस्मों का बहुत बड़ा योगदान है, जो शोध संस्थाओं से किस्में आई हैं और जो उन्नत तकनीक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आप ये समझो कि उत्पादन और कुछ हद तक मौसम भी काफी अनुकूल है गेहूं के उत्पादन के लिए, तो तीनों चीजें मिला जुला कर आप समझिए कि अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।